जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां क्या हो दूरियां बस प्यार ही रहेगा आप लोग मेरी बात सुने आप लोगों को आपके परिवार की चिंता है मैं ये बात समझ सकता हूँ आप लोग की जितनी जायज मांगे हैं मैं पूरी करूंगा लेकिन जो मांगे नाजायज है वो पूरी नहीं कर सकता अभी बता रहा हूँ ए समझ में नहीं आ रहा क्या बहुत देर से बड़बड़ बड़बड़ कर रहा हूँ मैं जानता हूँ ये सारी मांगे आप लोगों की नहीं और काम नहीं करने का फैसला भी आपका नहीं आप लोग किसी के बहकावे में आके काम कर रहे हैं हाँ मैंने बहकाया है जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक काम शुरू नहीं होगा जा जो बोलना तेरे मालिक को बोल दे जा क्या पागलपन है ये सब अपने परिवार के कल के लिए आज बर्बाद कर रहे हैं आप लोग अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो आप लोग के पास पैसे कैसे आएंगे और आप लोग के घर में चूल्हे कैसे जलेंगे कुछ नहीं तो अपने बच्चों के बारे में तो सोचिए ए, चल अपना मुंह बंद कर चल देखिए मैं अपने मालिक की तरफ से आप सबको आखिरी चेतावनी दे रहा हूं अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो आप लोग की जगह दूसरे मजदूर आएंगे वो काम करेंगे देखा भाई लोग आ गया ना अपनी औकात पर ये है इनकी हमदर्दी और इनका प्यार ये आपकी मांगों के बारे में तो सोचना तो दूर ये तो काम से निकालने की बात कर रहा है ठीक है लेके आओ नए लोगों को हम भी देखते हैं काम कैसे शुरू करता है ठीक मैं नए मजदूर यहाँ लेकर आऊंगा और देखता हूँ मुझे कौन रोकता और कैसे रोकता है मैं अपना काम करने जा रहा हूँ रोक सकते हो तो रोक लो करो करो अकेले काम करो कोई नहीं रोकेगा तुम्हें बना लो बिल्डिंग देखेंगे कैसे बनाता है इतनी रात गए तुम यहाँ काम कर रहे हो जी आपको तो पता ही है ठीक है सर ने मुझे इस प्रोजेक्ट का भार सौंपा है कुछ लोगों को उनकी जिम्मेदारी नहीं पता है इसलिए उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवा रहा हूँ मानव मैं समझ सकती हूँ लेकिन जिम्मेदारी पूरी करनी है इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पागलों की तरह काम करो तुम्हारा अपना परिवार है तुम्हें घर जाना चाहिए मैं बस ये काम खत्म कर लेता हूँ उसके बाद प्लीज तुम्हें अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना होगा अगर लंबी छलांग मारनी है तो पाँव में ताकत होना बहुत जरूरी है और पाँव में ताकत तभी आएगी जब शरीर को काम के साथ थोड़ा आराम भी दोगी अब चलो छोड़ो ये सब हम ये काम अधूरा कैसे मानव छोड़ो ये सब और आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ चलो माधुरी मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए बयान देना कितना मुश्किल है लेकिन मैं खुद भी तुमसे ऐसी बात नहीं करना चाहती थी मैं क्या करूँ सिर्फ बात वैशु की नहीं है बात उसके बच्चे की भी है
और मैं नहीं चाहती हूँ कि उस बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो। तुम तो जानती हो कि धर्मेश ने वैशु के साथ क्या नहीं किया है, और ये सारी चीजें उस बच्चे के साथ हो ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। प्लीज माधुरी, उस बच्चे की खातिर अपना बयान दे दो। तुम्हारे इस बयान से बहुत सारी जिंदगियां सवर जाएंगी। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। थैंक यू मैम। मैम एक बार घर चलिए ना, यहाँ तक आई है तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। मानव, बहुत देर हो गई है, टीके घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं फिर कभी आती हूँ। जी नमस्ते। चलो ड्राइवर। मानव के साथ में ये लड़की कौन थी? अब सविता ताई बता रही थी कि मानव को बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है, उसी के साथ काम करने वाली कोई होगी। जाने देना, हमें क्या करना है। पर इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रही थी? अरे मानव, आप आ गए। आपके इंतजार में तो मेरी आंखें लग गई। आप इतना लेट क्यों हो गए आते आते? पानी लीजिए। क्या हुआ? हुँ? क्या हुआ मानव, आप किसी चीज को लेकर परेशान है? जिस साइट पे मैं काम करता हूँ उस साइट के मजदूरों ने स्ट्राइक कर दिए। उनके कुछ मांगे, सभी मांगे गलत नहीं है, लेकिन सभी मांगे सही भी नहीं। और मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, कहा कि ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे। पता है कितने दिनों से उन लोगों ने कुछ खाया नहीं, वो अगर मैं चूल्हा तक नहीं जला। लेकिन ये जो यूनियन लीडर्स हैं, ये लोग ये बात समझ नहीं रहे। बस अपने फायदे के लिए मजदूरों की बलि चढ़ाए जा रहे हैं, और वो लोग वो बेचारों को समझ में नहीं आ रहा। तो अब आपने क्या सोचा है, आप क्या करेंगे? मैंने सोचा कि मैं वहाँ काम करूँ, शायद मुझे देख कर वो मजदूर भी काम करने लगे, उन्हें कुछ समझ आए। मैं सही सोच रहा हूँ? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं मैं, और वैसे भी आप जो भी कर रहे हैं आप उन्हीं की भलाई के लिए कर रहे हैं ना। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, कल से मैं रात को भी वहीं रहूँ, काम करूँ? कोई बात नहीं, मैं रोज रात को आपके लिए वहाँ खाना लेकर आया करूँगी। ठीक है, चलिए आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती। ये एड़े को देख, अकेला बिल्डिंग बनाने चला है। इसके सात पुश्ते भी आएंगी तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। बिल्डिंग बनाना तो दूर की बात, लगता है ये बिल्डिंग बनाने के चक्कर में इसकी यहाँ समाधि न बन जाए। मानव। अरे अर्चना, तुम? हाँ, आपके लिए खाना लेकर आए। चलिए खाना खाते। बस मैं ये काम खत्म कर लेता उसके बाद। नहीं मानव, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट सब्जी लेकर आई हूँ, अभी अभी गर्म है, चलिए चलिए जल्दी। अर्चना। मानव प्लीज चलिए ना। चलिए बैठिए आप। अच्छा कहाँ बैठना है? वहाँ। हाँ वहाँ पे।
मानव, एक बात कहूं? आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी शक्ल में बिल्कुल थकान नहीं दिखती। इतनी सारी ताकत कहां से लाते हैं? बहुत आसान है। जब मैं बहुत थक जाता हूं ना, तो मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, और जैसे ही अपनी आंखें बंद करता हूं, उसमें मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आता है। फिर थकान अपने आप चली जाती। अरे तुम क्यों नहीं खा रही? इतनी अच्छी सब्जी बनाई है। भूख लगी है। अरे देख क्या रहे हो? आओ खाओ, खाओ। आओ चलो आओ। वाकई में खाना बहुत अच्छा था। ये क्या कर रही हो? आपकी मदद? नहीं कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं ये सब कर लूंगा। अर्चना प्लीज। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ बैठकर मैं आपको देख तो सकती हूँ ना? चलो बैठो, बैठो। मेरा बच्चा बहुत बीमार है दादा, उसका बदन तप रहा है और उल्टियां भी की है उसने, उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा दादा, आप कुछ कीजिए ना दादा। सबर कर, चिंता मत कर, कुछ ही दिनों की तो बात है, हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाएंगे हम तेरे बच्चे को। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी दादा, डॉक्टर साहब अभी आए थे, उन्होंने कहा कि इसे हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा है, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता दादा। हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते, अगर हम यहाँ से गए तो हमारी हड़ताल टूट जाएगी और फिर कंपनी हमारा साथ नहीं देगी और हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। ये हमारे अपने हक की लड़ाई है, अगर हमें इस लड़ाई में अपनों की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। क्यों भाइयों? मेरा बच्चा मर जाएगा दादा, ऐसे हड़ताल से क्या फायदा है बताइए मुझे, जिस बच्चे की खुशी के लिए मैं हड़ताल पे आया हुआ था, अगर वो बच्चा ही नहीं रहेगा तो मुझे क्या फायदा है बताइए दादा, क्या फायदा है?
हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उठो, घबराओ मत, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं उसको अस्पताल लेके चलूंगा। चलिए मुझे अपने घर ले चलो। हमारा झगड़ा उस सोलो का है, लेकिन कोई बच्चे की जान से ज्यादा कीमती नहीं। चले। इससे पहले भी उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जितने भी सुपरवाइजर्स गए हैं, सब उन यूनियन लीडर्स के सामने हार गए। All of them failed. मुझे नहीं लगता कि मानव ये काम कर पाएगा। कर पाएगा, जरूर कर पाएगा। एक अजीब तरह का पागलपन है उसमें, जीत का एक अलग ही जज्बा है। आशना, अगर उसमें वाकई ऐसा जज्बा है तो उसे मैं जिंदगी की उस ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो आप उसे उस मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। आई सी। आपके कहने पर मैं वहां उस कंस्ट्रक्शन साइट पर गई थी। एंड आपको देखना चाहिए था कि जिस जुनून के साथ मानव वहां काम कर रहा था उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अगर आप वहां होते तो आपको भी इस बात का यकीन हो जाता कि मानव हमारा काम करवा कर ही रहेगा। आशना, जुनून के साथ साथ अकलमंदी का होना भी बहुत जरूरी है, वरना आदमी कभी कभी मुंह के बल गिर जाता है। मानव के साथ ऐसा नहीं होगा। जुनून और अकलमंदी दोनों ही उसके साथ है। साथ ही वो मेहनती है, ईमानदार है, औजार उठाकर काम करना जानता है। मजदूर उसका कहना जरूर मानेंगे, और अगर मजदूर मान गए तो वो लीडर को चुप करवा कर ही रहेगा। मार्क माय वर्ड्स, ठीक है? उस प्लॉट पर हमारी बिल्डिंग बंद कर ही रहेगी। मैं करता हूं सर। क्यों बे, तेरे को बड़ा तरस आ रहा है उस पर? है, भूल गए हम लोग हड़ताल पर हैं। सुन बे, बिना हमारी इजाजत के ना यहां कोई काम करेगा और ना ही इस लड़के की कोई मदद करेगा। वरना वरना क्या, मारोगे पीटोगे? तो मारो पीटो, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटने वाला, उसकी मदद करूंगा मैं। अरे वही एक ऐसा शख्स है जिसकी वजह से मेरा बच्चा जिंदा है, और तुम लोग तो मेरे बच्चे की कुर्बानी देने पे तुले हुए थे। अरे तुम लोग की बातों में आकर कब तक यूं ही बैठे रहेंगे? ना तो हमारे पास काम है और ना ही पेट में रोटी, हमारा परिवार भूखा मर रहा है। सही कर रहा है लड़का, अगर कंपनी की बात हमने नहीं मानी ना तो वो नए मजदूर रख लेंगे, तब तो हमारे जीने के भी लाले पड़ जाएंगे। कम से कम इसकी बात मानकर हम काम शुरू करेंगे तो दो वक्त की रोटी तो नसीब होगी हमें। रही बात मांगों की, वो तो हम काम करते हुए भी मनवा सकते हैं। इसका मतलब तुम यूनियन के खिलाफ जाओगे हैं? तुझे तो मैं ए छोड़ से, मेरे होते हुए यहाँ पे कोई मजदूरों पे हाथ नहीं उठाएगा। कल की बदतमीजी का जवाब मैंने नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं। जवाब देना आता है मुझे, और अच्छे से आता है। चलो तुम लोग अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। नहीं, मेरी इजाजत के बिना इधर कोई काम नहीं करेगा। तुम कौन हो तो इजाजत देने वाले? कंपनी ने इन मजदूरों को यहाँ पे रखा है, वो इजाजत देगी, तुम नहीं। चलो निकलो यहां से।
चलो भाइयों, किसी एक के चले जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सब मजदूर भाई एक हैं, हमारी एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। चलो भाइयों, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। चलिए आप मेरे साथ चलें। अरे दादा आइए ना, बैठिए ना, खाना खाइए हमारे साथ। नहीं नहीं साहब, मैं आपके साथ कैसे खाना खा सकता हूँ? आप बड़े लोग हैं और मैं मजदूर हूँ साहब। देखिए दादा, यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। आइए अच्छा खाना दो, आइए बैठिए। अरे दादा अब खाना क्यों नहीं खा रहे? मेरा परिवार कई हफ्तों से भूखा है। जब वो भूखा है तो मैं कैसे खाना खा सकता हूं? ये लीजिए, ये रख लीजिए। नहीं नहीं साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन ऐसा नहीं लेते हम किसी का। अरे यहाँ पे कोई आप पे एहसान नहीं करा, आज आपने काम किया है ना, ये उसकी मेहनत आना है। लीजिए। देखिए दादा, अगर आपके घर पे परिवार वाले भूखे रहेंगे तो आप मन लगा के काम कैसे करेंगे? जाइए उनको पेट भर के खाना खिलाइए। ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने देखा अर्चना कितने खुश है, वो बीवी बच्चों को खाना खिलाने का ख्याल ही उन्हें इतना खुश कर रहा है। इसी को जरूरत कहते हैं। चलिए आप खाना खाइए। ताई, वकील के कहने पर मैंने धर्मेश को नोटिस दे दिए, 2 दिन में सुनवाई है कोर्ट में। वैशु तू बिल्कुल टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। बप्पा है ना हमारे साथ, तू क्यों इतनी चिंता कर रहे? उनको ठीक करना ही होगा ताई, आखिर उन्हीं के तो भरोसे ये सब कर रही हूँ। अच्छा ताई, तूने माधुरी से बात कर ली ना? हाँ वैशु, बात हो गई। क्या कहा उसने? वो आने वाली है ना? माधुरी से बात तो हो गई है वैशु, लेकिन उसने एक शर्त रखी। समझ में नहीं आ रहा कि तुझे वो बात अभी बताऊं या नहीं। ताई क्या हुआ? ताई मैंने तुझे कुछ पूछा, माधुरी से बात हो गई है, वो आने वाली है ना? हाँ हाँ, वो कोर्ट में आकर बयान दे देगी। मुझे लगता है उस लड़के की बात मान लेनी चाहिए, ऐसे कब तक हम काम बंद करके बैठे रहेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि इस काम बंद करने के चक्कर में हम अपने काम और परिवार दोनों से हाथ धो बैठे। लेकिन अगर सुमित दादा को पता चल गया तो वो तो हम सबकी जान ले लेगा। वैसे भी कौन से जिंदा बैठे हैं? तुम सही कह रहे हो, वैसे भी सुमित दादा हमारे बच्चों को सिवाय बीमारी और भूखमरी के दे ही कह सकता है। देखो अगर हमें हमारी खुशियां चाहिए तो हमें उस लड़के का साथ देना होगा। साहब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है सर, हम काम पर वापस आना चाहते हैं, बस आपकी इजाजत चाहिए। इसमें मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? मेरे आने से पहले आप लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, आपका यह हक है। आइए साहब,
आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। बात यह है कि हमें कुछ पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना कि कुछ दिनों से हमारी बीवी बच्चे घर में भूख से। मैं समझ गया। एक मिनट। ये लो। रखो इसे। अब इतने रख लो, कल और ले लो। अच्छा मैं तुम लोग पे भरोसा करके पैसे दे रहा हूँ, मेरा भरोसा मत तोड़ना। विश्वास रखिए सर, हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे सर। आइए काम शुरू कीजिए, उठाइए। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल हो गए क्या? तुम्हें तुम्हारी इस गद्दारी की सजा मिलेगी। तुम क्या समझते हो, तुम तीन चार लोग उस लड़के के साथ मिलकर बिल्डिंग को पूरा करोगे? कभी नहीं, हम इस बिल्डिंग को कभी पूरा नहीं होने देंगे। चलो। ए लड़के, तुम इन मजदूरों को फुसलाकर अच्छा नहीं कर रहे हो, तुझे तेरी इस किए की सजा जरूर मिलेगी। मेम साहब, आपसे मिलने के लिए मानव आए। मानव? इतनी रात को? भेजो उन्हें। जी। मानव, तुम यहाँ इतनी रात को? कोई प्रॉब्लम? नहीं, वो सर ने बुलाया था ना अभी, इसलिए। मानव। बैठो। यू आर ऑन टाइम। गुड। So, काम कहाँ तक पहुँचा? What's the progress? सर इम्प्रूवमेंट है सर। बहुत सारे मजदूर ने हमारे साथ जुड़ गए हैं तो बस। I don't have much time to waste. दो दिन की मोहलत है तुम्हारे पास। मजदूरों को बुलाओ, काम शुरू करो। जी सर। सिर्फ दो दिन की मोहलत दी आपने उसे? दो दिन में सारे वर्कर्स को काम पर ले आना नामुमकिन है। आई मीन, हमारा ये प्रोजेक्ट बंद हो चुका था, उसके मानव की वजह से शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। दो चार वर्कर्स काम पर आए हैं, उसके लिए उसका हौसला बढ़ाने के बजाय आप ठीक है, क्या आप नहीं चाहते कि वो तरक्की करे? आप नहीं चाहते कि वो अपने आप को आपके सामने साबित करे? चाहता हूँ, इसीलिए दो दिन की मोहलत दी। कम समय में अकल का ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो अपने आप कामयाब हो जाएगा। मानव, आप आ गए। कैसा रहा आपका आज का दिन? अच्छा रहा। क्या पता है, आज तीन और मजदूर हमारे साथ जुड़ गए। क्या बात कर रहे? देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी कोशिश कभी नाकामयाब नहीं होगी। अब देखना, सारे वर्कर्स आपके साथ सब काम करने लगेंगे। क्या हुआ, आप खुश नहीं है? ऐसा खुश तो हूँ मैं, लेकिन एक बात है। वो क्या बात है? वो ठीक है सर, ने सिर्फ दो दिन का वक्त दिया है, दो दिन में ये सब कैसे मुमकिन? और मानव, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं कर पाएंगे? मुझे आप पर पूरा विश्वास है, और फिर आप इतनी मेहनत से, लगन से ये सारी चीजें कर रहे हैं, और पप्पा आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, फिर आप क्यों डर रहे हैं? तुम अगर मेरे साथ हो तो फिर मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। अच्छा मानव, आपको एक बात बतानी थी। बोलो। आज वैशु आई थी घर पर, और वो कह रही थी कि उसने धर्मेश को नोटिस दे दिया डिवोर्स का, परसों कोर्ट में सुनवाई है, तो आप चलेंगे?
नहीं अर्चना, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम संभाल लेना। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, मैं संभाल लूंगी। मैं चेंज कर गया। दो दिन सिर्फ दो दिन का वक्त दिया ठीक है सर, इन दो दिनों में मुझे ये काम कैसे भी करके पूरा करना, लेकिन कैसे? दो दिन की मोहलत है तुम्हारे पास, मजदूरों को बुलाओ, काम शुरू कर दो। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। चलो भाइयों, पूरी करो। तुम इन मजदूरों को फुसला कर अच्छा नहीं कर रहे हो, तुझे तेरी किए की सजा जरूर मिलेगी। सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां या हो दूरियां बस प्यार।